गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। ये मैं बना रही हूँ मावा, और ये थोड़ा सा बस गाढ़ा हो चुका है। तो अब ये मैंने जो मिक्सचर बनाया है, ये रोस्टेड मखाने हैं, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लिया ऐसे, और बादाम है उनको भी फ्राई कर लिया था और पीस लिया मिक्सी में, थोड़ा दरदरा पीसा है। अब मैं ये पूरा मिक्सचर जो है मैं इसमें डाल दूँगी, और ये तब तक इसमें चलाना है तब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे, मतलब बिल्कुल बैटर जो है वो चिपकना बंद हो जाए कढ़ाई से, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे वरना ये जल जाएगा। तो कंटिन्यू इसको चलाते रहें, और ये खुद ही मतलब आपको दिख जाएगा कि पूरी कढ़ाई जो है ये सारा बैटर आपस में एकदम जैसे डोसा बन जाएगा, तभी इसको प्लेट में आप इसको उतार लेना। और मैंने ये जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखी है, क्योंकि फिर बहुत तेज़ी से जो है वो ये गाढ़ा हो जाता है। तो अब बस ये हो चुका, देखो आप कितना एकदम डो जैसा बन गया है। और मैंने ये थाली को पहले से ग्रीस कर लिया थोड़ा सा घी लगा के, ताकि चिपके ना अच्छे से, जो कतली है वो जम जाए। और ये गरम बहुत है तो थोड़ा सा जो है, बस मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि पानी से क्या है ना बहुत गर्म है ये, तो पानी से अच्छा सा पूरा हाथ लगा के अगर इसको सेट करोगे तो एक पतली पतली सी पूरी कतली जमेगी आपकी, क्योंकि ये चमचे से नहीं हो पाती है। तो ठंडा पानी थोड़ा सा उसका हल्का सा हाथ अपना गीला करके ऐसे करके प्रेस करके इसको, और जब तक ठंडा ना हो जाए इसको कट नहीं करना है। बस ये हो गया आप सही से, अब मैं इसको रख दूंगी जब ठंडा होने के लिए 2-3 घंटे तक अच्छे से। और ये बन रहा है कसार, आटे को थोड़ा सा घी डाल के मैं इसको भून रही हूँ हल्का सा ब्राउन होने तक, फिर इस ठंडा होने के बाद इसमें मिला दूंगी बूरा, और बस जो भी फ्रूट्स होंगे जब वो पूजा के टाइम पे थोड़े फ्रूट्स डाल दूंगी इसमें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ब्लॉग जो है वो शाम से ही स्टार्ट हुआ है, टाइम हो रहा है 7:00 बज चुके हैं, यूवी ये बैठा हुआ है, डेकोरेशन हो चुकी है, तैयारियां हो चुकी हैं जन्माष्टमी की, प्रसाद खाना शाम का वो सब बन चुका है, और बस अभी रेडी हो के जो है, यूवी विश कर दो जन्माष्टमी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। तो बस अभी जो है वो नीचे भी हमारी सोसाइटी में भी एक फंक्शन है, तो वहाँ भी जाएंगे, 8:30 बजे से स्टार्ट है, और घर की जो है पूरी तैयारी हो चुकी है, तो नीचे जाके आधे एक घंटा वहाँ पे जाएंगे, देख के आते हैं क्या क्या है। तो बस और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया प्रसाद में। मैंने मिठाई बनाई थी वो मैंने ये बनाई है। ये जन्माष्टमी पे क्या क्या हो रहा है सबके घरों में, हमारा तो देखो ये सब पूरा ऐसे डेकोरेशन हो चुकी है, दूर से देखो पूरा जो है, किशन जी भी बैठे हुए हैं, बड़े वाले भी और छोटे वाले बाल गोपाल भी बैठे हुए हैं। अब बस उनको जब 12 बजेंगे उसके बाद ही इनको नहला के झूले पे बिठाया जाएगा। आज जो है ये बर्फी के अलावा कसार बना लिया है, चन्ना अमृत पंचामृत जो बोलते हैं वो तो मेन ही होता है, वो भी बन गया, और खाने में भी इनका जो है मैंने सब्जी बना ली है छोले की, प्याज नहीं डाला है उसमें, प्याज का यूज़ नहीं किया है, वो बन गया, पूड़ी बनेगी। तो बस सब तैयारी हो चुकी है, कुछ नहीं रेडी हो गए खड़े हैं, और अभी कुछ करना नहीं है, बस 12 बजे का इंतज़ार है, जल्दी से 12 बजे और अच्छे से पूजा हो, इनको झूला झुलाया जाए। और ये लोग बैठे हैं यहाँ पे देखो दोनों, मुझे टाइम नहीं मिला आज सुबह से, मैं बिज़ी थी, तो मैं बस अब फ्री हो चुकी हूँ एकदम, मुझे कोई काम नहीं है।
लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, इन्हें सुबह ही एक बार नहला के और नए वाले कपड़े पहनाए हैं इनको। इनकी ये न्यू नई वाली बांसुरी देखो कितनी सुंदर लग रही है, बांसुरी देखो इनकी बहुत सुंदर लग रही है। ये इनका झूला जिसपे बैठेंगे ये अभी थोड़ी देर में। और यहाँ हमारे बड़े वाले किशन जी हैं, इनका पूरा ऐसे पानी में पॉट है तो इसमें पूरा अच्छे से फ्लावर वगैरह डाल के इनको बिठाया है। इनका मुकुट देखो आप, इनकी माला बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, इनकी ये सब मुकुट माला और बांसुरी में ये सब नया है इनका। देखो बांसुरी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। ये गौ माता इधर बैठी हुई हैं, सारे दिए लगा दिए हैं, सब 12 बजे के बाद जो है अच्छे से पूजा होगी। ये पीछे मोर पंख लगाया हुआ है इनका। सुबह मैंने प्रसाद में मिश्री बतासा एक फल ये सब सुबह पूजा कर ली थी। और ये बलून लगा दिए क्योंकि एक तरीके से इनका आज बर्थडे ही होता है तो बलून्स भी लगाए थोड़े से। अभी मम्मी बना रही है रोटी, यहाँ पर पूड़ी पूड़ी अच्छा पूड़ी बन रही है। तुमको जल्दी भूख लगी है? हाँ दूध नहीं पिया, एप्पल खा लिया था, भूख लग गई। हांडी भी लगी हुई है यहाँ पे और हम देखेंगे है इसको। अच्छा लगेगा ना पूरा, वहाँ से वहाँ बांधा है पूरा। हाँ। इसे फोड़ेगा कौन? फोड़ना कोई तो फोड़ेगा। बच्चे देखो छोटे छोटे राधा जी बने हुए हैं, वो राधा जी इनकी परफॉर्मेंस होगी ना। हम लोग आ गए और अभी बज रहे हैं 10। यूवी को लगी थी बहुत तेज प्यास तो ज़्यादा फिर नीचे नहीं रुके और अब बस इंतज़ार कर रहे हैं 12 बजने का, उसके बाद तो बस पूजा होगी। अभी तो है टाइम 1.5 घंटा और। टीवी भी चलाओ फिर कुछ देखो, टीवी में किशन जी का कुछ आ रहा होगा। ये बैठे हुए यहाँ अच्छा हो रहा था डांस जो है, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा राधा कृष्ण बने हुए थे तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे नीचे बच्चे। और मेरी ड्रेस कैसी लगी कमेंट्स में बताना ज़रूर, और डेकोरेशन कैसी लगी वो भी कमेंट ज़रूर करना। पौने 12 हो चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम आके बैठे हैं बस 15 मिनट और फिर जो है किशन जी का जन्म हो चुका होगा और उनको नहलाया जाएगा। तो अभी बस मेरी पूरी तैयारी है, बस इंतज़ार हो रहा है, सामने ही बैठे हुए हैं यहाँ पे बस गिनती शुरू हो चुकी है, 15 मिनट हो चुके हैं बस और इंतज़ार में है जल्दी से 12 बजे फिर हम करें अच्छा वाला, इनको नहलाएं श्रृंगार करें बहुत अच्छे से, बस वेट हो रहा है। बाकी सब चीज़ें जो है भोग की सब कुछ मैं यहाँ पर मेरा सब रेडी है। उधर देखो आप इनकी ड्रेस, ये बहुत ही सुंदर है येलो, और ये इनकी देखो इनका हाथ और ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है इनकी, देखो तो सुंदर ड्रेस है, बहुत सुंदर है। और ये जो है इधर इनकी मुरली, इनकी बांसुरी देखो आप कितनी सुंदर छोटी सी, ये इनका बाथ टब भी रेडी हो चुका है। ये देखो पूरा इसमें मैंने पानी से अच्छे से करके और ये पूरे जो है फूल वगैरह इसमें डाल दिए हैं तो ये बहुत सुंदर लग रहा है।
पूजा की थाली भी रेडी हो गई है, सब चीज़ें एकदम तैयार हैं। हाँ जल्दी से 15 मिनट फटाफट फटाफट जाएं जल्दी, थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है वैसे, ऐसा नहीं ज़्यादा लग रही है भूख आपको कि नहीं है? इनको भूख नहीं लगी, मुझे भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी है, ज़्यादा तो देखो इतना अभी 12 बज रहे हैं तो ज़्यादा तो नहीं खाया जाएगा कुछ, तो बस थोड़ी ही भूख है, लेकिन हाँ खाएंगे तो ज़रूर क्योंकि नींद नहीं आएगी, बिना खाए जो है नमक का नींद भी नहीं आती है। और गर्मी कितनी हो रही है, बारिश भी नहीं हुई, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, इतना बादल तो शाम को इतनी तेज हवा भी चल रही थी लेकिन बारिश नहीं आई बिल्कुल भी। बाहर तो ऐसा सुनो, यू भी देखो चांद, चांद को देखो, दिख रहा है चंदा मामा है, देखो उनको जल चढ़ाना है। अरे थोड़ा सा उठ के देखो तो, कष्ट तो करो, यूवी अपना, यूवी को नींद आ रही है, यूवी की है बैटरी डाउन। चांद नहीं है, मैं जल चढ़ाना है, चलो देखते हैं, मैं देखूंगी बाहर जाके बालकनी में। और ये मेरा कैसा लग रहा है सेट आप देखो, ये मैंने लिया था पालिका से, ये इसके साथ के इयररिंग्स, ये करने का, ये मैंने स्पेशल इसी ड्रेस के साथ लिया था, ये ड्रेस भी मैंने पालिका से ही ली थी, तो ये मैंने इसी मैचिंग का इसी के साथ लिया है स्पेशल, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा था, फिर टाइम पास के लिए मैंने थोड़ी रील्स वीडियो भी बना ली, जो भी मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी है आप देखते हो ब्लॉग में, उसको फॉलो करो, आप देखोगे फिर उसमें मेरी बहुत सारी रील्स वीडियो भी है इंस्टाग्राम पे मिलेंगी वो आपको जाके। और वैसे मैं कुछ जो है यूट्यूब पे भी पोस्ट करती हूँ शॉर्ट्स में, अगर इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम की आईडी में मेंशन करती हूँ, अगर वहाँ देखनी है तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, फ़नी वीडियोज़ हैं, तो वो जरूर देखना। हमने टाइम पास के लिए मैंने फिर क्या, 1 घंटा था तो क्या करूँ, तो मैंने 10 से 11 जो है रील्स की वीडियो बनाई पूरा टाइम पास हुआ मेरा।